जिसके मुताबिक 8 तारीख से देश भर में रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, मॉल्स खोले जाएंगे और धार्मिक स्थान खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार भी उन्हीं केंद्र सरकार के उन्हीं आदेशों के मुताबिक कल से दिल्ली में रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थान खोलने जा रही है। लेकिन जब ये खोले जाएंगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के क्या-क्या स्टेप्स उठाने होंगे, मास्क पहनना होगा, जितने भी एहतियात बरतने के लिए केंद्र सरकार कि एक्सपर्ट्स ने, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं उन सारे स्टेप्स को दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है और वो ऑर्डर अभी थोड़ी देर के बाद लागू हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली में होटल्स और बैंकेट हॉल्स को अभी नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हो सकता है हमें कई होटल्स और बैंकेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके उनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करना पड़े। इसके मद्देनज़र अभी होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को नहीं खोला जा रहा है। पिछले हफ्ते मैंने आप सब लोगों से एक और चीज़ है, कल से दिल्ली के बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले हमने दिल्ली के बॉर्डर्स सील किए थे, इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर दिल्ली बॉर्डर्स खोल दिए तो देश भर से जो मरीज आएंगे और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएंगे, उससे दिल्ली के अस्पताल अभी जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या उस बर्डन को बर्दाश्त कर पाएंगे। इस वजह से बॉर्डर्स को सील किया गया था। कल से दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है। साथ ही अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया जा गया है कि पिछले हफ्ते हमने दिल्ली के लोगों से पूछा था, हमने दिल्ली के लोगों के सामने ये प्रश्न रखा था, हमने दिल्ली के लोगों से ये पूछा था कि अभी तक कोरोना होने तक, मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहते थे। दिल्ली के लोगों ने कभी अपने देश के लोगों का इलाज करने से मना नहीं किया। किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्पतालों में लगभग 60-70% मरीज दिल्ली के बाहर से, देश भर से लोग आए हुए होते थे। हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार बेड्स का इंतजाम कर रही है, चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहाँ जाएंगे। इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे, 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे और 90% से ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने एक 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, डॉक्टर महेश वर्मा वाइस चांसलर हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सुनील कुमार मेडिकल डायरेक्टर हैं जीटीबी हॉस्पिटल के, डॉक्टर अरुण गुप्ता ये प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, डॉक्टर आर के गुप्ता ये एक्स प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ये ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। इन 5 लोगों की कमेटी ने विचार विमर्श करके और दिल्ली की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे नज़र डाल के उसको सारे को असेस करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और उन रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि अगर दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की ज़रूरत होगी, ये कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर
आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड हैं, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड हैं। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं, बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहाँ पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना कोरोना तक, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।